and gentlemen. Please. Sir, I am Rashid Karnani from Center 2 and Rose. I am represent my company and I will... Is that working? I represent my company Center Tour and Travels. थोड़ा भी चलो शाबाश शाबाश चलो आगे चलो डॉक्टर साहब डेलीगेशन के बारे में दो मिनट बात करेंगे ज्यादा था पूरा ट्रैवल ट्रेड टूरिज्म चैम्बर ने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इसमें सबसे पहले जो हमने बात रखी है कि जहाँ पे भी कंट्री हो, वर्ल्ड हो, जहाँ पे भी रीजन हो, वो सबसे अप्रोच होता है नेशनल हाईवेज का। और हमारा रीजन सफर कर रहा है आज से नहीं, कई डेकेड्स से। और आज के डेट में कुछ वर्सन हो गई है, 15-15 10-10 दिन हमारी हाईवे जो है डिस्कनेक्टेड रहती है। तो उन्होंने वो नोट किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने हमने बात रखी है, दे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक। तो मेरे ख्याल से ऐसा फोरम हमें जरूरत थी ताकि हमारी बात आगे पहुंचे। उस रीजन की इकोनॉमी सफर करेगी जब तक उसकी रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है। सो वी हैव बीन एश्योर्ड दैट दिस विल बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। और जो हमारी प्री बजट सेशन मुलाकातें होती थी, जो हमारा फीडबैक होता था, उसको हमने उनके सामने रखा कि हम ऑलरेडी मिले हैं। इस साल में कोई फीडबैक नहीं लिया गया स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही फीडबैक लेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे गवर्नमेंट, जे एंड के गवर्नमेंट का जो बजट होता है एलोकेशंस। तो हमने ऑलरेडी अपनी डिमांडें रखी है पिछले साल जब हम इन पर्सन उनको मिले हैं। सो लेट्स होप कि वो डिमांड वो मद्देनजर रख के बजट में एलोकेशन रखें, क्योंकि हमारी डिमांड जो है प्रेजेंट बिजनेसेस को और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एंड टू सेव द प्रेजेंट बिजनेसेस। टूरिज्म जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, होटल के रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस बोट के प्रेसिडेंट जो आई थी पूरा ट्रैवल ट्रेड टूरिज्म चैम्बर ने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इसमें सबसे पहले जो हमने बात रखी है कि जहाँ पे भी कंट्री हो, वर्ल्ड हो, जहाँ पे भी रीजन हो, वो सबसे अप्रोच होता है नेशनल हाईवेज का। और हमारा रीजन सफर कर रहा है आज से नहीं, कई डेकेड्स से। और आज के डेट में कुछ वर्सन हो गई है, 15-15 10-10 दिन हमारी हाईवे जो है डिस्कनेक्टेड रहती है। तो उन्होंने वो नोट किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने हमने बात रखी है, दे बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक। तो मेरे ख्याल से ऐसा फोरम हमें जरूरत थी ताकि हमारी बात आगे पहुंचे। उस रीजन की इकोनॉमी सफर करेगी जब तक उसकी रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होती है। सो वी हैव बीन एश्योर्ड दैट दिस विल बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। और जो हमारी प्री बजट सेशन मुलाकातें होती थी, जो हमारा फीडबैक होता था, उसको हमने उनके सामने रखा कि हम ऑलरेडी मिले हैं। इस साल में कोई फीडबैक नहीं लिया गया स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही फीडबैक लेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे गवर्नमेंट, जे एंड के गवर्नमेंट का जो बजट होता है एलोकेशंस। तो हमने ऑलरेडी अपनी डिमांडें रखी है पिछले साल जब हम इन पर्सन उनको मिले हैं। सो लेट्स होप कि वो डिमांड वो मद्देनजर रख के बजट में एलोकेशन रखें, क्योंकि हमारी डिमांड जो है प्रेजेंट बिजनेसेस को और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एंड टू सेव द प्रेजेंट बिजनेसेस। टूरिज्म जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, होटल के रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस बोट के प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारे कल्चर के लोग, कल्चर जो हमारा लोग हैं, हमारे जो कश्मीर के आप देखेंगे यस्टर ईयर्स में वो सफर कर रहे हैं, हमने उनके लिए कश्मीर फिल्म सिटी का डिमांड रखा है और उनके लिए एलोकेशन मोर टाइम
में डीडी कशीर भी बोला है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो वर्सन सिचुएशन हो गई है उसके लिए हमने इनको कहा है कि इट शुड बी मेड अकाउंटेबल कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं। जब आपका रोड बंद रहा तो गाड़ियां तो बंद ही रहेंगी, तो हु इज अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस। थैंक यू। आज कोविड के बाद अगर हम बात करें तो पहला ऐसा पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन जो दिल्ली से आया है जो जमीनी हकाइक जो आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ 370 क्या हालात है कश्मीर के, और जो जिस तरीके से आपको पता है बीजेपी सबसे ज़्यादा जोर लगाई है यहाँ की डेवलपमेंट पे, यहाँ की टूरिज्म बूस्ट, और आपने देखा आज कि 3 महीने तक गुलमर्ग के जो होटलियर है वो सारे बुक है, तो एक खुशी की बात है। और ये ग्राउंड लेवल पे जो आपने फीडबैक्स उसको बना रहे हैं ले रहे हैं यहाँ से हर एक जो पार्लियामेंटेरियन है 30 के करीब है, हर एक जगह जा रहे हैं, हर एक लोगों से मिल रहे हैं, मुझे लगता है खुशी की बात है। हमारा भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर यूनिट की तरफ से एक डेलीगेशन गया, इनसे मिला, और जो हमने भी फीडबैक हमने इन वक्त में जो ग्राउंड पे काम किया जो हमें फीडबैक मिला हमने उसे बहुत सारे डेलीगेशन अभी तक आए मगर कोई काम नहीं हुआ ग्राउंड। देखिए ऐसा होता है, काम नहीं है, आप पे गलत कह रहे हैं, काम हो रहा है लेकिन वक्त लगता है उसको इम्प्लीमेंट होने पे। लेकिन आप देखिए जहाँ पर एक वक्त कश्मीर में इतनी हालत ख़राब थी वहाँ पर आज आप देखिए टूरिस्ट इतने आए हैं कि कश्मीर में गुलमर्ग में होटल ही खाली नहीं है। तो आप देखेंगे आने वाले एक साल में इंशाल्लाह आपको बदलाव ज़रूर नजर आएगा, और भाजपा इस स्टेप का वेलकम करती है, और हम उम्मीद करते हैं जो यहाँ से फीडबैक लेके हुए वो जल्द से जल्द हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब इम्प्लीमेंट करते। देखिए ये जो डेलीगेशन आया है हर साल आता है पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन, हर साल हमें ये इन्वाइट करते हैं, जो हमारे मसाइल है वो सब हम के सामने रखते हैं और फिर ये देखते हैं जो भी इनके साथ मसाइल रिलेटेड हैं प्रॉब्लम तो वो कोशिश करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले जाने के लिए और उनका तदारुक करते हैं। तो अभी तक तो वो लास्ट ईयर भी हमने किया है, खास कुछ इसमें अमल दरामद नहीं हुआ है, मगर हमें उम्मीद है दैट इस साल आप आए हैं वो, एंड हमें उम्मीद है हमने जितने भी मसाइल जो हैं हमारी इंडस्ट्री से वाबस्ता या हमारी यहाँ कश्मीर से वाबस्ता, जैसे कि एयरफेयर राइजिंग एयरफेयर है या यहाँ पर है कनेक्टिविटी मतलब रोड कनेक्ट नेशनल हाईवे हमारी ठीक नहीं है, या यहाँ पर स्वामी जी जो बारामूला से ट्रेन जाती है इधर बानिहाल तक उसके बारे में सब चीज़ों के बारे में बात हो गई, और स्पेशली हमारी हाउस बोट इंडस्ट्री के लिए भी उसके लिए भी हमने जितने भी मसाइल है वो बताए उनके सामने रखे हैं और रिटन मेमोरेंडम भी उनको दे दिया है। अब वो डिपेंड करता है उन पर कैसे हल करेंगे क्या करेंगे, बट वी होप फॉर द बेस्ट। तब तो कुछ इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन ऑनरेबल एमपीज और मिनिस्टर से मिला जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, राजू प्रताप रूडी और भी कुछ एमपीज थे। हमारी दो डिमांडें थी जो हमने डेलीगेशन के सामने रखी, एक जो हमारा नेशनल हाईवे है जो आए रोज बंद होता है और 7-7 दिन बंद रहता है और जिसकी वजह से कश्मीर में बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों की किल्लत होती है, अगर कहीं मिलता भी है तो वो इतना आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता किसकी उसकी कीमतें आसमान को छूती है। दूसरा जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ टूरिज्म जो है वो रीढ़ की हड्डी है यहाँ की इकानमी की, और जो एयर फेयर है वो बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ये दो इशूज़ हमने लाए, एक तो रास्ते को ज़्यादा से ज़्यादा आमद रफ्त के लिए 24 घंटे चले या 12 महीने चले उसके लिए उसको बनाया जाए, और दूसरा जो एयर फेयर है उसको नीचे लेवल तक लाए ताकि यहाँ जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है जो पिछले एक साल से खसारे में चल रही है, चाहे वो 370 के बाद चाहे कोविड की वजह से यहाँ टूरिज्म नहीं आ रहा था, हमने यही डिमांड की है, हमने यही उनके सामने अपील की, यही बात रखी है कि यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं जैसे यहाँ के बहुत से खानदान हैं जिनकी रोज रोज पे है आसानी से। नाज़रीन अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब